हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर में आप घी कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा घी निकालना मुश्किल होता है। तो मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि आप कैसे घी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं कि मैंने ये घी कैसे बनाया है और कितनी आसानी से बनाया है बिना झंझट के। तो चलिए बताते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमको जो हमारी मलाई जहाँ पे हम स्टोर करते हैं वहाँ पे सबसे पहले हमको दही पहले डाल देना चाहिए उस बाउल में। तो उससे क्या होता है कि हमारी मलाई में जो एक स्मेल सी आती है वो नहीं आएगी, और दूसरा और जामुन लगा के अगर हम बनाते हैं तो हमारा जो घी है वो बहुत अच्छा और खुशबूदार बनता है। तो पहले मैंने दही डाला है इस बाउल में, उसके बाद मैं इसी बाउल में स्टोर करती रहूँगी मलाई को। चाहे आप कितने दिन, हफ्ते भर की, 10 दिन की, 15 दिन की, जो भी चाहे वो मलाई इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये मलाई डाल के हमको फ्रीजर में स्टोर करना है, तो हमें फ्रीजर में डेली हम इसको रख देंगे। और उसके बाद मैंने जब हमको घी बनाना होगा जिस दिन, तो उस दिन हमको जैसे कि अगर हमको घी बनाना है दोपहर में तो मॉर्निंग में हमको निकाल देना है। अगर मॉर्निंग में बनाना है तो नाइट में निकाल के रख देना है बाहर, ताकि ये बाहर निकाल के रखने से क्या होता है कि आसानी से हम घी को निकाल सकते हैं। तो ये सारी मलाई मैं निकाल ले रही हूँ। मैंने इसको जो है मैंने निकाल दिया था सुबह, इसको मैं दोपहर में निकाल रही हूँ। तो अपने तो यहाँ पे मैंने ये आप यहाँ पे स्पून भी ले सकते हैं, बीटर भी ले सकते हैं, और इससे आसानी से घी निकल जाता है। तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल स्पून से भी निकल जाता है और एकदम आसानी से। देखिए मैं हिलाऊंगी और एकदम फटाफट 5-7 मिनट में मेरा घी निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है तो हमारा घी जो है आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको पानी का यूज अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, कंटिन्यूस ऐसे ही हिलाते रहना है और ये 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। और देख जब ये एकदम मक्खन अलग हो जाएगा और इसका जो दूध जैसा मट्ठा होता है वो अलग हो जाएगा, तभी हमको इसको अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और अभी बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, कंटिन्यू चलाते रहना है। जिस स्टेज पे आ जाएगा तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे आपको पानी ऐड करना है। पानी हमको हल्का सा गुनगुना ऐड करना है और पानी शुरू में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर आपने शुरू में पानी ऐड कर दिया तो आपका मक्खन नहीं निकलेगा, तो इसलिए हमको पानी तब ऐड करना है जब ये हो जाएगा, मक्खन इसका निकल जाएगा तभी हमको ऐड करना है। तो अभी देखिए इस स्टेज पे एकदम परफेक्ट हमारा मक्खन अब अलग होने लगा है और मट्ठा अलग हो जाएगा। आप देखते रहिए इसी तरह से बिल्कुल हम चलाते हुए इसको निकालेंगे घी को। तो देखिए अभी निकलने वाला है ये। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि देखिए मलाई बिल्कुल हल्की हो गई है और मक्खन जैसा हो गया है, और अब ये एकदम बन गया है लगभग। थोड़ा सा और हमको चलाना पड़ेगा तो एकदम हमारा जो मट्ठा है वो भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से करना है और देखिए ये मट्ठा अलग हो गया, मीन्स कि अब हमारा मक्खन रेडी हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करेंगे देखिए, और हमें पानी गुनगुना लेना है। और विंटर्स में क्या है कि मक्खन नहीं निकलता आसानी से, तो हमें गुनगुना पानी का यूज करना पड़ता है। बहुत अधिक गर्म नहीं डालना, नहीं मक्खन पिघल जाएगा। यहाँ पे एकदम गुनगुना डालना है मेरा, जैसे मैंने फिंगर डाल के दिखाया आपको उसी तरह से करना है, और एकदम हल्का सा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम अच्छे से हिलाएंगे। हिलाते हुए हमको चलाना है, उसके बाद हमारा जो मक्खन है वो इकट्ठा हो जाएगा और जो मट्ठा है वो अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ज़रूर बनाइए इस विंटर्स में, तो आपको मक्खन निकालना बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब फ्रेंड यहाँ पे मुझे हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब भी मक्खन हम मुझे अलग करके निकालना पड़ेगा। तो अभी एकदम रेडी हो गया है, तो देखिए
तो चलिए अब हम अब मक्खन को अलग कर लेते हैं और मट्ठा को अलग कर लेते हैं, और इसको हमको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और एक दूसरी प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए कैसे मक्खन एकदम इकट्ठा हो गया है। और इसके बाद हमको दो पानी से इसको अच्छे से साफ़ करना है ताकि इसके अंदर से जो भी मट्ठा हो वो पूरा निकल जाए। मट्ठा छाछ आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए कितना अच्छा सा घी निकल रहा है। ये 10 दिन का मलाई, और ये येल्लो है तो ये मैं गाय का दूध लेती हूँ तो मेरा ये इसीलिए येल्लो आपको दिख रहा होगा। आप सोचेंगे कि येल्लो क्यों है, तो मैं जो भी दूध यूज करती हूँ और अमूल का करती हूँ तो वो मैं गाय का करती हूँ, इसलिए जो हमारा मक्खन है वो भी येल्लो हो रहा है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स मक्खन अलग हो गया है और ये देखिए हो गया है, और इसको हम एक पानी से धो लेंगे, 2-3 बार धो लेंगे तो मक्खन एकदम क्लीन हो जाएगा अच्छे से। और इसके लिए हमको हाथ का यूज करना पड़ेगा तभी अच्छे से ये होगा क्लीन। तो इस तरह से हमने देखिए इसको क्लीन कर लिया है और एकदम परफेक्ट मक्खन हमारा रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख भी सकते हैं, और ऐसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, वो भी अच्छा लगता है खाने में। तो अब देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है और अब हम इसको पिघलाएंगे। तो अभी मैंने इसको एक कढ़ाई, उसी कढ़ाई में साफ़ करके मैंने ले लिया है वही कढ़ाई, और उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। और इसको हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है और ये बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाता है थोड़ा। तो अब देखिए ये इस तरह से घी हम बनाते रहेंगे। अभी हमारा घी में बॉयल आ गया है, देखिए कितना अच्छा घी बना, एकदम क्लियर है, एकदम साफ़ है देखिए। और इसके अंदर जो एक निकलता है वो बहुत कम निकलेगा क्योंकि हमको उन्होंने इसके अंदर दही डाला था, और फिर हम इसके अच्छे से हमने मक्खन निकाला है तो उसके अंदर जो वो निकलता है वो बहुत कम निकलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मलाई से अगर आप घी बनाते हैं पिघला के, तो आपका घी भी अच्छा नहीं निकलता है, कम भी निकलता है और अच्छा खुशबू भी नहीं आती है। और तो अगर आप इस तरह से जामुन के साथ और इस तरह से घी बनाएंगे तो आपका घी एकदम साफ़ होकर अच्छा और टेस्टी घी बनेगा, खुशबूदार घी बनेगा, तो एकदम परफेक्ट घी बनता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग अब होने के स्टेज पे आ गया है हमारा घी। तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा और चलाएंगे और ये थोड़ा सा लाल कलर में आ जाएगा तो हमारा घी मतलब कि हो गया है। तो आप गैस बंद कर दें और थोड़ा सा कम पे ही कर दें ताकि बाद में, क्योंकि घी की टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा जलने लगता है, तो इसलिए कर लें। फ्रेंड्स हमारा घी एकदम रेडी हो गया है देखिए, और इस तरह का होना चाहिए तभी हमारा घी अच्छा खुशबूदार बनता है। तो अब यहाँ पे मैंने घी को ठंडा कर लिया था और फिर मैं छान रही हूँ, गरम नहीं मैंने छाना है नहीं तो जल जाएगा छन्नी। ठंडा करने के बाद ही हमको इसको छानना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा घी निकला है। और इसको आप इसको चाहें तो कोई लोग यूज भी कर लेते हैं, जैसे चीनी डाल के पराठा बना सकते हैं या चीनी डाल के खा भी सकते हैं, कोई लोग फेंक देते हैं, मतलब इतने पूरे मलाई में इतना सा ही ये इसका जो बेस पार्ट निकला है और बाकी घी सारा निकला है। तो ये आधा किलो से लगभग ज़्यादा ही घी होगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा घी बनाने का तरीका, टिप्स ट्रिक, और कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको, और आप भी निकालना और बताना कि कितनी आसानी से निकल गया। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।